उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के लिए भले ही अभी पौने दो साल का समय बचा हुआ हो, लेकिन सियासी समीकरणों को साधने की कवायद शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के मुखिया और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अति पिछड़ा समुदाय को साधने के लिए पूर्व सांसद फूलन देवी को महज याद ही करते रहे। दूसरी ओर बीजेपी ने जयप्रकाश निषाद को राज्यसभा भेजने का फैसला करके सूबे के मलाह समुदाय को साधने के लिए बड़ा दाव चल दिया है। ऐसे में देखना यह है कि यूपी का मलाह समुदाय किसकी राजनीतिक नैया पार लगाएगा। दरअसल अखिलेश यादव ने 25 जुलाई को पूर्व सांसद फूलन देवी की पुण्यतिथि पर सिर्फ श्रद्धांजलि ही अर्पित नहीं की, बल्कि उनके जीवन पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म के प्रोमो को साझा कर अति पिछड़ा समुदाय को राजनीतिक संदेश देने की कवायद थी। इस डॉक्यूमेंट्री के प्रोमो में फूलन देवी को ऐसे महिला के तौर पर दिखाया गया जो अति पिछड़ा जाति यानी मलाह समुदाय में पैदा हुई थी और जिसे बिना किसी अपराध के मानसिक और शारीरिक पीड़ा झेलनी पड़ी। अब आपको जयप्रकाश निषाद के बारे में बता दें, आखिर कौन है जयप्रकाश निषाद? बीजेपी को इससे पूर्वांचल में क्या फायदा होगा? बता दें कि जयप्रकाश निषाद को सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी ज्वाइन कराई थी और वो यूपी के कद्दावर राजनेताओं में से एक रहे हैं। बीजेपी के निषाद कैंडिडेट को राज्यसभा भेजने का फैसला पिछड़ी जातियों को रिझाने के फैसले के रूप में देखा जा रहा है। जयप्रकाश निषाद गोरखपुर क्षेत्र से बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं। वो बसपा के टिकट पर 2012 में चौरी चौरा सीट से विधायक रह चुके हैं, लेकिन फरवरी 2018 में बीजेपी में शामिल हो गए थे। अब बीजेपी उन्हें राज्यसभा भेज रही है और उनका कार्यकाल 5 मई 2022 तक रहेगा। इस तरह से उनके राज्यसभा रहते हुए सूबे में विधानसभा चुनाव होंगे। अब बात कर लेते हैं जाति समीकरण के बारे में। यूपी में तकरीबन 7% आबादी मलाह, केवट और निषाद जातियों की है। यूपी की तकरीबन 20 लोकसभा सीटें और तकरीबन 60 के करीब विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां निषाद वोटरों की संख्या अच्छी खासी है। गोरखपुर, गाजीपुर, बलिया, संत कबीर नगर, मऊ, मिर्ज़ापुर, भदोई, वाराणसी, इलाहाबाद, फतेहपुर, सहारनपुर और हमीरपुर ज़िले में निषाद वोटरों की संख्या अधिक है। ऐसे में बीजेपी ने जयप्रकाश निषाद को राज्यसभा भेजने का फैसला कर मलाह समुदाय के दिल को जीतने की कोशिश की है। हालांकि सीएम योगी ने 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले निषाद पार्टी को भी बीजेपी में विलय कराने का दाव चला था। इस तरह से बीजेपी ने पूर्वांचलों के किलों को और भी मजबूत करने का दाव चल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।